गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, तो चलिए आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक मकरंद का पाठ दो शिक्षा पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, शिक्षा पाठ के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से तो आप सब लोग परिचित ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं उनके विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति के उन्नायक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता में हुआ था। आपके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान, विचारशील और तार्किक थे। उनकी ईश्वर संबंधी तार्किक जिज्ञासाओं का समाधान उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का सानिध्य पाकर नरेंद्र का जीवन ही बदल गया और वे स्वामी विवेकानंद के रूप में धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। उन्होंने सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म परिषद में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य देशों में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। आपने श्री रामकृष्ण मठ की स्थापना कर युवाओं को प्रज्ञावान, दृढ़ निश्चयी, तेजस्वी एवं निर्भीक बनने का आह्वान किया। वे भारत को महान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों को संगठित होने का उपदेश दिया। आपने आह्वान किया कि गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम की भावना का देश विदेश में प्रसारित किया। सन 1902 में मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में आपका निधन हो गया। अब हम आपके पाठ शिक्षा का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत निबंध में शिक्षा के स्वरूप और उसके उद्देश्य को मौलिक रूप से व्यक्त किया। वे मानते हैं कि विश्व का असीम ज्ञान मनुष्य के मन में ही समाहित है। शिक्षा इसी ज्ञान का अनावरण करती है। इस ज्ञान को प्रकाशित करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह छात्र को प्रबोधन करता है। शिक्षा सकारात्मक सोच को जगाती है और सकारात्मक सोच ही मनुष्य प्रतिष्ठा का आधार है। शिक्षा जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण में सहायक है। लेखक की दृष्टि में शिक्षा मानसिक बल बढ़ाकर बुद्धि का विकास करती है। वह अंतस्थ की दिव्य ज्योति का प्रकाश है। अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का मानना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य का मन, संसार का सारा ज्ञान मनुष्य के मन में समाहित है, लेकिन उसको उजागर करना, उसको व्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। अब अपन कहते हैं छोटे बालक को देखो कि छोटा बालक क्या रहता है, मिट्टी की मूरत रहता है। अपन उसको सांचे में, जिस सांचे में ढालते हैं उस सांचे में वो ढल जाता है। जैसे अब अपने यहाँ कितने वो जातियों के लोग रहते हैं, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई बंगाली है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। तो वो है कि उनका जो बच्चा पैदा होता है तो वो जो अपने घर में जो चीजें देखता है, जो उसको देखने सीखने को मिलती है, वो उन्हीं का अनुसरण करता जाता है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो चीज मनुष्य या बालक दूसरों से ग्रहण करता है और उसको अपने अंदर समाहित करता है, वही शिक्षा कहलाता है।
अब है संसार का सारा ज्ञान, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क में ही रहता है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो सीखता जाता है, या अपन कहें कि परिपक्व होता जाता है, है ना। जैसे अपन कहते हैं कि मनुष्य के मन में या बालक के मन में एक आवरण, आवरण मतलब पर्दा, पर्दा डला हुआ रहता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, सीखता जाता है, वो आवरण धीरे धीरे उसके मस्तिष्क से हटता जाता है, और जब बालक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो वो आवरण जो है उसके मस्तिष्क से पूरी तरह से हट जाता है। जब आवरण हटता है तो हम सोचते हैं कि हाँ मनुष्य कुछ सीख रहा है और वो ज्ञान को अर्जित कर रहा है, और जब ये आवरण मनुष्य के मन से पूरी तरह से हट जाता है तब हम कहते हैं कि मनुष्य ज्ञानी हो गया है। और जो मनुष्य इस अज्ञानता रूपी आवरण को हटाना ही नहीं चाहता वह सदैव क्या बना रहता है, अज्ञानी ही बना रहता है। और एक शिक्षा ही है जो मनुष्य को अज्ञानता रूपी एक शिक्षा ही है जो मनुष्य के मस्तिष्क से अज्ञानता रूपी आवरण को धीरे धीरे करके हटाती है। प्रस्तुत पाठ में स्वामी विवेकानंद ने एक शिक्षक की भूमिका को अति महत्वपूर्ण बतलाया है। उनका मानना है कि एक शिक्षक ही होता है जो विद्यार्थियों की समस्याओं, कठिनाइयों और परेशानियों को दूर कर उनको आगे बढ़ने की राह दिखलाता है। एक शिक्षक ही होता है जो विद्यार्थियों के मार्ग की बाधाओं को हटाता है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। यदि विद्यार्थी शिक्षक से अपनी मन की बात या अपनी परेशानियों को नहीं बतलाएगा तो एक शिक्षक उसका कुछ भी मदद नहीं कर सकता है। विद्यार्थियों की यह कर्तव्य है कि वो अपने शिक्षक को अपनी परेशानियों से, अपनी कठिनाइयों से अवगत कराएं। शब्द होता है वो केवल उनकी बाधाओं को दूर कर सकता है, बाकी चलना तो विद्यार्थियों को ही है, है ना। जैसे है कि एक पौधा है, जब अपन पौधे को करते हैं तो उसके लिए अपन आवश्यक गड्ढा खोदते हैं, पौधे को लगाते हैं, मिट्टी का प्रबंध करते हैं, पानी का प्रबंध करते हैं, प्रकाश का प्रबंध करते हैं। अब जो पौधा है उसको अपने लिए क्या क्या आवश्यक है वो खुद ग्रहण करता है। उसी प्रकार एक शिक्षक है जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करता है, लेकिन विद्यार्थियों को अपना कार्य स्वयं कर, अपने लक्ष्य को स्वयं प्राप्त करना होता है। अब लेखक का मानना है कि किसी भी विद्यार्थियों को मार मार के शिक्षित नहीं किया जा सकता। बलात् उद्योग का वो अर्थ है मारपीट का, जिस प्रकार किसी भी गधे को मार मार कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार विद्यार्थियों को मार पीट कर शिक्षित नहीं किया जा सकता है। यदि अपन उनको बार बार मारेंगे, उनकी बार बार इंसल्ट करेंगे तो विद्यार्थियों के मन में क्या होता है, इंसल्ट होती है, उनको हीन भावना के से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमको तो कोई हमेशा ही मार पड़ती रहती है और हमको पढ़ाई करना नहीं है। इसलिए स्वामी जी तो सोचते हैं कि इस पद्धति को समाप्त कर देना ही विद्यार्थियों के लाभदायक है। अब स्वामी विवेकानंद का मानना है कि मानव मन ज्ञान का भंडार है ना। किसी भी मनुष्य में ज्ञान का, प्रत्येक मनुष्य में ज्ञान का असीम भंडार है, उनको केवल उजागर करने का वो चाहिए, उजागर करने की दिशा चाहिए। कि अब आप लोगों को मालूम है कि 11th में आकर आप लोग सब्जेक्ट लेते हो कि नहीं,
तो आप लोग को मालूम है कि मेरे लिए पीसीएम अच्छा है, कि मेरे लिए कॉमर्स अच्छा है, कि मेरे लिए आईपी अच्छा है, कि मेरे लिए इको अच्छा है। क्यों आप लोग अपने वो करते हो? क्योंकि आपको अपना लक्ष्य मालूम है। पीसीएम वालों को मालूम है कि हमको जेई देना है, पीसीबी वालों को मालूम है कि हमको डॉक्टर बनना है, कॉमर्स वालों को मालूम है कि हमको सीए बनना है। तो आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। और यह कार्य जब अपन कोई लक्ष्य वो करते हैं, वो कार्य को पूर्ण करने में एक शिक्षा ही आपको सहायता प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने अनुसार कोई भी कार्य को चुन सकते हैं। आगे हमें क्या करना है उसकी हमको पूरी जानकारी प्राप्त होती है। हमारे लिए कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, इन सब की जानकारी हमें शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अब शिक्षा के द्वारा ही हमारे अंदर मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण विकसित होता है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा चरित्र भी क्या होगा? अच्छा होगा। यदि हम बुरे कार्य करेंगे तो हम क्या? बुरे इंसान कहलाएंगे। तो जो शिक्षा है वो हमको ये बतलाती है कि कौन सा कार्य हमारे लिए अच्छा है और कौन सा कार्य हमारे लिए बाधक है, किस कार्य करने से हम आगे बढ़ सकते हैं और कौन सा कार्य हमें पीछे की ओर धकेल देता है। अब हमें जो भी कार्य करना चाहिए ऐसा करना चाहिए कि उसको हम पूजा की भावना से करें। अपन जब ईश्वर का वो करते हैं ना, तो अपन जब भगवान की आराधना करते हैं तो अपने को मालूम है कि सुबह उठ के अपने को भगवान की साफ सफाई करना है, भगवान के स्थान की साफ सफाई करना है, दिया लगाना है, प्रसाद देना है, वो करना है। वैसे ही जो भी कार्य हम चुनते हैं उसे भी हमको ईश्वर का रूप ही मानना चाहिए, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमने सोचा कि अरे आज कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो उस कार्य करने में हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब यह रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कार्य करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जहां से हमारी सफलता हमको असफल होते उसी दिशा से फिर उठकर हमको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। कि अगर एक बार हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो दूसरी बार जरूर होगी, दूसरी बार भी होगी तो तीसरी बार तो अवश्य होगी, लेकिन उस असफलता के डर से कार्य को छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं कहलाता है। हमने जो भी कार्य करना है, भले ही हम उसमें सफल हो या असफल हो, लेकिन हमें अपना कार्य निरंतर रूप से करते रहना चाहिए, तभी हमको एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। अब स्वामी जी का कहना है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, विद्यार्थी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। यदि हम उनके ऊपर अपने विचार, अपने उद्देश्य या अपना लक्ष्य थोपेंगे तो विद्यार्थी कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। और जब वो सफल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें विद्यार्थियों को उनके विचारों की स्वतंत्रता देना चाहिए। वो क्या करना चाह रहे हैं उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। उन्हें स्वाधीनता प्रदान करना चाहिए ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सके। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर करेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।